हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोटनेक प्रिंसेस का ब्लाउज की कटिंग। बहुत ज़्यादा इसका चलन है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। एकदम कुछ ही मेजरमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं, 13.5 लंबाई, चेस्ट 34, कमर 28, शोल्डर 13 इंच और गला बोट रहेगा। आर्म होल, नॉट पॉइंट वगैरह सारी चीज़ें कटिंग पर देखते हैं, ठीक है। इसको करते हैं साइड। अभी हमको जैसे कटिंग करना है बोटनेक प्रिंसेस का ब्लाउज का, तो हम क्या करेंगे, सामने पल्ला अलग, पीछे पल्ला अलग काटेंगे। इससे आपको डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का भी मेथड मिलता है। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न का भी आपको पेपर कटिंग मिल जाएगा बोटनेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का, तो उसको भी आप लोग मंगा सकते हैं। बाकी अदर ब्लाउजेस तो आप मंगा ही सकते हैं, 100% कैश ऑन डिलीवरी और फिटिंग की गारंटी। चलो यहाँ पर लेते हैं लेंथ। 13.5 चाहिए तो 14.5 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। दो जगह पर लगा लेंगे जिससे हम बराबर निशानों को मिला सकें, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर लेंगे। अब देखो, जैसे आप बोट गला बनाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है शोल्डर को लेकर के। जैसे हमने यहाँ पर पुराने ब्लाउज पर नाप लिया, शोल्डर आया 13 इंच का, तो हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 14 का हाफ करके 7 इंच पर हम ये मार्क करेंगे, 7 इंच पर इसका शोल्डर लेंगे। अब बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो बॉडी मेजरमेंट आपने लिया है और आपका शोल्डर आया बॉडी मेजरमेंट पे 14, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच बॉडी मेजरमेंट से कम करें, मैक्स टू मैक्स 1 इंच। वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर कपड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तन नहीं रहा है, तो आप आधा इंच कम करें। और फ्लेक्सिबल कपड़े हैं तो 1 इंच 1.5 इंच तक के भी कम करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कपड़े के ऊपर में। जैसे यहाँ पर हमने 7 इंच लिया, नीचे भी आकर के 7 इंच लेते हैं इस टाइप से, और स्केल से निशान को सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम आर्म होल का मेज़र लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह है बोटनेक शेप, और बोटनेक शेप में हम क्या करते हैं, शोल्डर को आर्म होल की साइड में डाउन करते हैं। तो उसके लिए पहले हमको गला लेना पड़ेगा। गला 34 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग हम 4.25 का ले लेते हैं, तो 4.25 इंच का ये गला, बचा हुआ शोल्डर पट्टी, आधा इंच आर्म होल की साइड डाउन, ठीक है। ये ऐसे इतना डाउन करने के बाद अब आप आर्म होल का शेप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्म होल आधा इंच नीचे से मेजर करेंगे, कितना, 34 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग 4.25 या 5.5, उससे ज़्यादा नहीं। ये इस टाइप से मिला लेंगे। बेसिक मेजरमेंट 34 चेस्ट, ब्लाउज का नाप, तो सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। 34 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 8.5, और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ब्लाउज का मेजरमेंट है तो लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। कमर पे आ जाते हैं, 28 कमर है, चौथा हिस्सा 7 इंच, 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पर पूछोगे, सर हम ये बना तो रहे हैं, ये सामने का पल्ला है कि पीछे का पल्ला है, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये है पीछे का पल्ला। सामने पल्ला पहले क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें उसमें पफ क्रिएशन करना होता है, मार्जिन देना होता है। तो पहले पीछे पल्ले को कॉपी किया जाता है फ्रंट पल्ले में, उसके बाद उसका मार्जिन प्रोसेस ऐड किया जाता है। अभी यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट गले पर और आर्म होल पर। तो बोट नेक का गला बनाने के लिए, जैसे हमने चौड़ा लिया गले को, कितना, 4.25, तो गहरा भी इसको लगभग उतना ही लेंगे। इस पर्टिकुलर चेस्ट में 34, 32, 36 में 4.25 इंच गहरा चलेगा, लेकिन सीधा नापना है गहराई को, तब 4.25 चलेगा, नहीं तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अब इधर से भी इस निशान को मिला देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1.5 से 2.25 इंच की दूरी से गोलाई घुमाएंगे। 1.5 इंच सफिशेंट है, 1.5 इंच इस तरह से रख करके घुमा देंगे। ये देखो, बस सेंटर से एक ही बार नापना है 1.5 इंच और ऐसे घुमाना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा था कि सर हम बोट गला बना रहे हैं, बहुत से लोगों के, तो बोट गले में हमें कम शोल्डर पट्टी चाहिए, तो क्या गले को थोड़ा बहुत और ज़्यादा ले सकते हैं? ले सकते हो, थोड़ा बहुत का मतलब, जैसे मान लो 1 इंच अगर आप और गले को ज़्यादा लेते हैं, तो आपका फिर गला कैसे घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, और ये जो शेप है जो यहाँ जा कर के मिल गया, वो वहाँ से आके चालू होगा, उस टाइप से घूमते हुए आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी मर्ज़ी रहेगी, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। कैसे बनेगा, मैं एक बार शेप आपको हल्का सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे रखेंगे ना, तो ये यहाँ से आएगा आपका गला, ये देखो। अब वो आपकी चॉइस रहेगी कि आपको गला कहाँ से लेना है। अगर पतली शोल्डर पट्टी चाहिए तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइप से आपका शेप आएगा, अगर बिल्कुल पतला शोल्डर पट्टी चाहिए। अब बोलोगे, सर इसमें शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो नहीं आएगा, बोट गला है तो शोल्डर बाहर होने के चांस बहुत रेयरली होते हैं, बहुत कम होता है। अब इसके बाद आर्म होल शेप डाउन, 0.25 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि बोट शेप है। उसके बाद स्केल से इस निशान को हम इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। फिर जो हमारा आर्म होल का कटिंग होता है, जो आर्म होल की पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से
दूसरी गोलाई 1.25 इंच की दूरी से, ये बिल्कुल कॉमन रहेगा, ऐसे ही करना है। ये देखो ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, ये ऐसे। और इतना करने के बाद पीछे पल्ले का डॉट बस यहाँ पर रह जाता है, तो पीछे पल्ले का जो डॉट है वो लेंथ के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, लेंथ और चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लगभग 4.25 इंच का डिस्टेंस और ऊंचाई भी लगभग उतना ही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथ इसका नॉर्मल है। ज़्यादा लंबे ब्लाउज में थोड़ा सा ज़्यादा डॉट लेना चाहिए। अब इतना करने के बाद हम इसको काट के निकाल सकते हैं, उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट फ्रंट पल्ले पर। तो इसको आपको कटिंग करना है पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग, आर्म होल शेप पे काटना है बाहर से, मतलब कि ये ऐसे। देखो ये हमने पीछे पल्ला पूरा काट दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कुछ कट्स लगाएंगे यहाँ पर इस टाइप से, या बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। अभी एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए और फ्रंट के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज होती हैं, है ना। बोट नेक ब्लाउज में गला तो आपका सेम रहेगा, चाहें तो फ्रंट को डीप रख सकते हैं, मैं वो भी ऑप्शन बता दूंगा कि फ्रंट को डीप कैसे रखना है। सबसे पहले आपको इसको बीचों बीच इस टाइप से रख करके निशान को कॉपी करना है, ताकि आपको नीचे साइड वगैरह में जगह मिले मार्जिन देने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से रख के पूरा निशान आपको कॉपी कर लेना है, ये देखो। अब ये आर्म होल पीछे पल्ले के हिसाब से अभी घुमा रहे हैं, बाद में सामने पल्ले के हिसाब से सेट कर देंगे। तो ये इस टाइप से हमारा कॉपी करने का काम कंप्लीट होगा। उसके बाद गले को हम जस का तस यहाँ पे बना सकते हैं, ये देखो ऐसे, और आर्म होल को भी, ये देखिए एज इट इज़ घूम गया। आर्म होल शेप को भी घुमा सकते हैं वैसे ही एकदम एज इट इज़, फ्रंट के हिसाब से करना है क्योंकि, ये देखिए। अब इसको हटा सकते हैं, इसका आप कोई काम नहीं है, साइड कर दें। अब सबसे पहली बात, जैसे गला आपको डीप रखना है तो क्या करोगे, फ्रंट मान लो, बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि सर पीछे तो बोट रहने दो, फ्रंट को डीप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका शोल्डर सेम, आर्म होल सेम, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सीधा सीधा जितना मान लो आपको डीप रखना, मान लो 7 इंच रखना है तो सीधा सीधा 7 इंच रखोगे। गले की चौड़ाई भी आपकी सामने की पीछे की एक बराबर रहेगी, आपने पीछे एक बार 4.25 ले लिया तो सामने कम कर दोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस टाइप से आप फ्रंट को डीप कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर आप गोल गला लोगे तो 4.25 इंच में गला आपका बहुत ज़्यादा खुल जाता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप फ्रंट को पान शेप दे सकते हैं। तो पान में क्या है, डीप तो रह जाएगा आपका 7 इंच, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा सकरा हो जाता है पान गले में, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ आप बना सकते हैं, और भी बहुत सारे गले हैं, वी नेक वगैरह आप बना सकते हैं, ग्लास गले बना सकते हैं, आपकी जो मर्जी। तो ये गले को आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हो फ्रंट का। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो बोट पर भी काट सकते हो, चाहो तो पान गले पर भी डीप वाले पर काट सकते हो। लेकिन अब आते हैं हम किस में, डॉट पॉइंट्स, प्रिंसेस कट के शेप और बाकी सारी चीज़ों पे। तो जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज आप बनाते हैं तो सबसे पहला जो मेजरमेंट आपको ध्यान में आता है वो यही आता है कि पफ क्रिएशन के लिए हम डॉट पॉइंट कहाँ पर लेंगे। तो उसके लिए आपको बॉडी से मेजरमेंट लेना चाहिए, आपका डॉट पॉइंट ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि कहाँ पर आ रहा है। मान लो कि 10 इंच पर आ रहा है तो 10.5 पर आप इस निशान को लगाएंगे, ठीक है, 0.5 इंच मार्जिन लेकर के। तो ये आपका डॉट पॉइंट का मार्जिन, मार्जिन 0.5 इंच क्यों लेते हैं, क्योंकि शोल्डर पे वो 0.5 इंच का दबाव जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस टाइप से ऐसे, जैसे हम दूरी नापते हैं दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी 34 इंच चेस्ट में, आमतौर पर 4.25, उससे ज़्यादा नहीं, 4 इंच सफिशेंट है। क्योंकि ये जो प्रिंसेस कट का शेप है ना, यहाँ पर आपको डॉट के पॉइंट से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ पफ क्रिएट करता है, तो पॉइंट से उतना मतलब नहीं होता, खासकर दोनों डॉट्स की आपस में जो बीच की दूरी है उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। शोल्डर से डॉट पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता इसमें कि आप इसको 4 पे ले रहे हैं कि 3.5 पे ले रहे हैं कि 4.25 पे ले रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ले लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या कि प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी पतली आ जाएगी, कटोरी बड़ी आ जाएगी, कटोरी को पतली करोगे तो क्रॉस पट्टी बड़ी आ जाएगी, बस इतना ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पफ एक बराबर क्रिएट होता है। अब 1 इंच ऊपर से यहाँ पर हम आर्म होल की तरफ शेप देंगे, जो कि प्रिंसेस लाइन होती है, वो किस टाइप से घूमेगा, एकदम सिंपली इजिली हाथों से बिगिनर्स इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। यस, आर्म होल के सेंटर पर ले जाके मिला दिए,
अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हम एक इंच डाउन करेंगे ये वाला निशान, ठीक है। स्केल से इस निशान को नीचे लेकर के आएंगे और इस निशान से थोड़ा ज़्यादा ही नीचे लेके आएंगे, एक से सवा इंच और नीचे लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मार्किंग है हमारा, यहाँ से एक इंच नीचे एक और मार्क करेंगे ऐसे। यही सब मार्जिन प्रोसेस है ना पफ क्रिएशन के लिए, इसको ध्यान दो। इस टाइप से इस निशान को आगे बढ़ाएं। अब डाउन वाले निशान से 34 इंच चेस्ट है, इसमें आप 3 से 3.25 इंच का पफ दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतना कपड़ा आपका यहाँ से कट जाएगा। तो ये इस टाइप से यहाँ से हम राउंडिंग शेप में ये प्रिंसेस का पफ क्रिएशन के लिए ले लेते हैं। इतना करने के बाद एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पर कितना लिया, अप्रॉक्स मान लो 3.25 इंच का लिए हैं पफ क्रिएशन के लिए, ठीक है। अब 3.25 इंच में ये ध्यान देना कि 1 इंच जब हमने पीछे पल्ला कॉपी किया तो 1 इंच पीछे पल्ले के लिए जो डॉट के लिए लिए थे वो 1 इंच का निशान यहाँ पर भी आ चुका है। तो अब हमको 1 इंच को माइनस कर देना, तो 3.25 में 1 इंच माइनस कर दिया, कितना बचा 2.25। आधा इंच इधर बैलेंस बनाने के लिए दे देते हैं। अब 2.25 में आधा और माइनस हो गया तो कितना बचा 2.25, ठीक है। तो ये आधा इंच इधर से, ये डायरेक्ट ऊपर से आप इसको मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर हम सीधा 2.25 इंच का सीधा निशान लेंगे इसको आगे बढ़ा करके, ठीक है, 2.25 इंच का निशान। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये पफ क्रिएशन के लिए कंप्लीट आपका मार्जिन हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर क्योंकि क्रॉस पट्टी और कटोरी एक दूसरे से जुड़नी है तो यहाँ पर आपको लगभग 0.25 इंच जगह और चाहिए, तो 0.25 इंच ऊपर भी मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। और स्केल से इस निशान को मिला देंगे ऐसे, देखो ये इस टाइप से। जब आप स्केल से इस निशान को मिला देंगे फिर नीचे से मिलाने बस का काम रह जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे ये जो मार्क है उसको देख लेना कितने पे आ रहा है, मान लो अप्रॉक्स आ रहा है 5.25 पे, तो इधर भी वो निशान 5.25 का आपको ऐसे लगा लेना है और उसके बाद इसको मिला लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप सिलाई कर रहे होंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो वो छोटा बड़ा नहीं होगा, नहीं तो छोटा बड़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको छांटूं ना छांटूं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप इस तरह से नाप के दे सकते हो। अब इसको हम काट के निकालेंगे। आई होप इससे आपको ये जो बोटनेक प्रिंसेस कट का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को भी डाउट रहा होगा। इसको हम फटाफट से काट के निकाल देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोग इस तरह के रेडी पेपर कटिंग्स चाहते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर अपने घर पर मंगाना चाहते हो, मंगा सकते हो। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, एक बार वहाँ पर कांटेक्ट जरूर करें, प्राइस लिस्ट वगैरह आप ले सकते हैं और मंगा सकते हैं। इसको हम पूरा कटिंग कर लेते हैं और आस्तीन कटिंग वगैरह इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आस्तीन कटिंग के लिए मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोज़ दे रखी हैं और सभी वीडियोज़ में मैं आस्तीन का कटिंग इंक्लूड नहीं करता हूं। कुछ कुछ वीडियोज़ ही होती हैं जिसमें मैं आस्तीन की कटिंग बताता हूं, क्योंकि आस्तीन की कटिंग जो है वो सेम होती है सभी के लिए। तो इस टाइप से आप इसको यहाँ से काटोगे, ठीक है, और ये जो है यहाँ से राउंड शेप में ऐसे काटेंगे। और इसका जो गला है ना उसको पान गले के हिसाब से काट देते हैं, तो पीछे आपका बोट हो जाएगा और सामने पान हो जाएगा जो कि डीप में आ जाएगा, ठीक है, फ्रंट डीप और पीछे बोट नेक। इस टाइप से आप इसको बनाएंगे, इज दैट क्लियर। और आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा ये जो वीडियो है इसको देख करके, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत थी, एक साइड डीप एक साइड बोट, खासकर पीछे बोट सामने डीप, या इसको सामने नॉर्मल गला भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं रजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।